अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ अहमद रजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियल मैक्स। दोस्तों, क्रिकेट के हवाले से आपसे खबर शेयर करते चलें कि रात गए अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर केवी टीम पहुंच चुकी है। सख्त सिक्योरिटी हसार में केवी टीम को होटल तक पहुंचाया गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के माबैन 5 T20 और 5 वनडे मैच खेले जाएंगे। 2 रोज आराम के बाद केवी टीम 13 अप्रैल को प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी और 14 अप्रैल को क्रिकेट टीम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगी। केवी कप्तान डैरन मिचेल का कहना है कि हालिया टेस्ट सीरीज में हमारा मुकाबला पाकिस्तान से सख्त रहा है। हमारी टीम T20 और वनडे के लिए भी पुरजोश है। नौजवान खिलाड़ी ऐसी कंडीशन में पहले नहीं खेले, वो इससे मजीद तजर्बा हासिल कर रहे हैं। इस वक्त अब तक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम के माबैन टोटल 29 T20 मैच खेले गए, जिनमें पाकिस्तान को 18 में फतह नसीब हुई और 11 में न्यूजीलैंड की टीम का पलड़ा भारी रहा है। और वनडे की बात करते चले तो टोटल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन अब तक 104 मैच खेले गए, जिसमें 55 में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पर भारी रही है और 48 में न्यूजीलैंड की टीम फतह याब हुई है। उम्मीद करते हैं कि इस दफा जो टेस्ट सीरीज के बाद जो अब T20 और वनडे सीरीज हो रही है, इसमें पाकिस्तान अपनी कारकर्दगी बेहतर करेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम ये T20 सीरीज और वनडे सीरीज में फतह याब होगी। अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।